महिंद्रा की ये कार काफ़ी अच्छी दिखती है, 450 किलोमीटर का रेंज देती है और ये लगभग 15 लाख की कीमत पर लॉन्च होगी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि महिंद्रा इतनी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने लग गई? आगे आने वाले कुछ ही सालों में महिंद्रा इंडिया में 5 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाली है। इन इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले महिंद्रा की ईवी हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। महिंद्रा कंपनी अभी से नहीं बल्कि पिछले काफ़ी सालों से ईवीज के लिए पैशनेट है। सबसे पहली बार इन्होंने 1999 में अपनी पहली ईवी बनाई थी, जो कि थी एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जिसका नाम था बिजली। अब ये महिंद्रा की तरफ से ईवी इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक इनिशिएटिव था। इसके बाद महिंद्रा कंपनी ने इंडिया की पहली एक प्रॉपर ईवी मेकर कंपनी रेवा को एक्वायर कर लिया। रेवा कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी। 2001 में इन्होंने अपनी पहली टू सीटर कार लॉन्च की थी और 2010 में महिंद्रा ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। फिर महिंद्रा ने भी रेवा के मॉडल को अपडेट करके एक टू सीटर कार लॉन्च की जिसका नाम था E2O। हम सभी इस कार को जानते हैं, महिंद्रा E2O भी रेवा के पुराने मॉडल से इंस्पायर्ड थी। इस कार की सबसे अच्छी बात यह थी कि ये उस टाइम पर भी लिथियम आयन बैटरी ऑप्शन के साथ आती थी। इसके बाद 2016 में महिंद्रा ने अपनी E-Burrito कार लॉन्च की, जो कि करीब 10 लाख की कार थी और सिर्फ 140 किलोमीटर का रेंज देती थी। क्लियरली दिख रहा था कि महिंद्रा ने इस कार पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है। इस कार की सेल्स फिगर कुछ खास नहीं थी और ये कार एक तरीके से फ्लॉप हो गई। लेकिन इसी टाइम पीरियड पे महिंद्रा ने अपनी ट्रियो सीरीज़ की इलेक्ट्रिक रिक्शा भी लॉन्च की थी और महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छी क्वालिटी और महिंद्रा की ब्रांडिंग होने के कारण ये आज इंडिया की नंबर वन इलेक्ट्रिक रिक्शा है। महिंद्रा को अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक कार से काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और महिंद्रा को पता था कि इंडियन कस्टमर्स एक अच्छी ईवी चाहते हैं कम से कम दाम पर। जिस हिसाब से इंडिया में ईवीज के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से टाटा इंडिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है, उसे देखते हुए महिंद्रा कंपनी का जल्द से जल्द एक अच्छी और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना ज़रूरी हो गया था। अगर कंपनी स्क्रैच से इलेक्ट्रिक कार बनाती तो R&D में काफ़ी सारा पैसा लगता, रिजल्ट शायद उतने अच्छे नहीं आते, प्लस यहाँ पर टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता। ऐसे में महिंद्रा ने सोचा कि किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैब किया जाए जो कि पहले से ही ईवी इंडस्ट्री में काम कर रही है, जिसके पास पहले से ही न्यू टेक्नोलॉजी हो। और फिर महिंद्रा ने जर्मन ऑटोजियान कंपनी वोल्क्सवैगन के साथ पार्टनरशिप की और अपनी ईवीज के लिए महिंद्रा ने इंग्लो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया। यहाँ पर इंग्लो वर्ड का मतलब है इंडिया प्लस ग्लोबल। वैसे तो महिंद्रा ने ये प्लेटफॉर्म इन हाउस डेवलप किया है, लेकिन इस पर लगने वाले कुछ मेजर कंपोनेंट जैसे कि बैटरी और मोटर को वोल्क्सवैगन से असेंबल किया जा रहा है। महिंद्रा के इस ईवी प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस सेम प्लेटफॉर्म पर कंपनी बड़ी या फिर छोटी इलेक्ट्रिक कार बना सकती है। इंग्लो प्लेटफॉर्म की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण महिंद्रा कंपनी के R&D पर लगने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच गए। ये 30 गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। इन न्यू कार्स को बनाने पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगा, जिससे कि ये कम कीमत पर अपनी गाड़ियाँ बेच सकेंगे। फिलहाल टाटा इंडिया की नंबर वन ईवी मेकर कंपनी है, लेकिन अब उनका ये टाइटल महिंद्रा कंपनी छीनने आ रही है। 15 अगस्त को इन्होंने अपनी 5 गाड़ियां रिवील की। महिंद्रा कंपनी ने कहा है कि इनका विजन है कि ये 2027 तक 2 लाख इलेक्ट्रिक कार्स पूरे इंडिया में सेल कर चुके होंगे। इनकी पहली इलेक्ट्रिक कार आ रही है XUV400। जहां तक हमने ऑन पेपर स्पेक्स देखे हैं, महिंद्रा की ये इलेक्ट्रिक XUV कार टाटा की नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा बेहतर है। महिंद्रा और टाटा ये दोनों कंपनीज हैं जो कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड हैं। मारुति भी अपनी इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। वहीं होंडा और दूसरी जैपनीज कंपनीज वेट कर रही हैं कि पहले इंडिया में ईवीज के लिए एक मार्केट सेट हो, तब जाके वो अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे। नाउ टोयोटा भी क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, लेकिन ये ईवीज के बजाय हाइब्रिड व्हीकल पर ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने में इन्होंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। नाउ MG और Hyundai ये दोनों कंपनीज भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन ये दोनों कंपनीज टाटा को टक्कर नहीं दे पाए, जबकि महिंद्रा तो टाटा से भी बेहतर ईवी लाने वाली है।